चलेगी, नहीं चलेगी, अत्याचारी नहीं चलेगी। जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो, जीने दो भाई, जीने दो, बेजुबान को जीने दो। और जोर से आज की आवाज, बेजुबानों की आवाज, 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 आज की आवाज, बेजुबानों की आवाज। इनिशिएटिव है उस बारे में और एनिमल क्रुएल्टी के बारे में हम सब ने सुना है, बारिश में भी जो है कुत्ते बाहर घूमते हैं, कोई घर में उसको शरण भी नहीं देता। तो सर आप लोगों की तरफ से ये प्रोटेस्ट के बारे में बताइए और क्या एक्शन होने वाला है आपकी तरफ से? प्रोटेस्ट तो सिर्फ हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एक्ट 1960 का है उसमें एक बदलाव आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले और कम से कम 50 रुपये का फाइन होकर उसको बेल मिलकर वो बाहर घूमे, क्योंकि अगर आपको पता है कि पहला ऑफेंस अगर वो करता है तो 50 रुपये बेल पे वो छूट जाता है और 3 साल के दौरान में अगर वही हरकत वो फिर करता है तो सिर्फ 100 रुपये के फाइन पर फिर वो बाहर निकलता है। तो मेरा सिर्फ यही पूछना है कि क्या 50 रुपये और 100 रुपये देकर बेजुबान जानवरों को मारा जा सकता है और कानून लोग अपने हाथ में ले सकते हैं क्या? मेरा सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जब पेट्स को हम लोग, बहुत सारे पेट लवर्स हैं जो उनको अपने बच्चों की तरह पालकर बड़ा करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी मौत के बाद उनको दफनाने के लिए एक भूमि होनी चाहिए जहां उनको इज्जत के साथ दफनाया जा सकता है? अगर आप देखेंगे तो मुंबई शहर में एक परेल को छोड़कर ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई क्रेमेटोरियम या कोई ऐसा बरियल ग्राउंड है जो रिजर्व्ड है इन एनिमल्स के लिए। अब सुनने में आया है कि 3 टेंडर्स और या 3 रिजर्वेशंस BMC ने रिजर्वेशन किए हैं, लेकिन उसको वक्त लगेगा। इसका मतलब नहीं है कि जब तक वो टेंडर्स आएंगे, जब तक ये क्रेमेटोरियम बनेगा, तब तक कोई जानवरों की मौत नहीं होगी। मौत आम दिन होती है, तब आप क्या देखते हैं कि कहीं चोरी छुपे लोगों को ले जाना पड़ता है, उनको दफनाना पड़ता है, कहीं कोई डस्टबिन में डालते हैं, तो वैसे भी हम अनहाइजीनिक कंडीशन का वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो क्यों ना एक इज्जत के साथ एक जगह को ईयरमार्क करके दिया जाए जहाँ पर उनको दफनाया जा सके। यही गुजारिश है जो हम गवर्नमेंट से कर रहे हैं। सर इसके अलावा एक्शन क्या होना चाहिए जो एनिमल क्रुएल्टी करते हैं? हमने देखा है कि रास्ते में एक्सीडेंट करके भी ऐसे ही पड़े होते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए? सब कानून बनना चाहिए जिससे ऐसे ही हरकत करने से पहले लोगों में एक खौफ, एक डर पैदा हो। ओके सर, इसके अलावा कोई पॉलिटिशियन जुड़ा है इसके साथ आपके? क्योंकि देखिए ये एक NGO है, हम लोगों ने इसको एक सोशल इशू के तौर पे रखा है, हम लोग इसको कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हम हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सबसे हाथ जोड़कर विनंती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस कॉज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और समाज का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे आप एनिमल्स देखते हैं उनके लिए कुछ कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ आज ही यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसे हर वीक, हर संडे इसी तरह से शुरुआत रहेगी इसी जगह पे। जैसे आज विजय गौतम जी हैं, ऐसे बहुत सारे पेट लवर्स हैं जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो खुद भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। जैसे मिस्टर बंटी हैं, उनको हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश थी कि गवर्नमेंट को और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को थोड़ा से थोड़ा वक्त दे ताकि वो हमारी मदद कर सकें, लेकिन ये उनकी भावनाएं हैं। तो अगर उनको लगता है हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने अपने राइट्स के लिए, अपने अपने विचारों को आगे तक पहुंचाने के लिए अपने अपने तरीके से काम करते हैं, फिर भी हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उनके मूवमेंट को, लेकिन ये मूवमेंट हर वीक शुरू रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरी गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि ये जो पुराना घिसा पिटा ला है इसको चेंज कीजिए। आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हमने पुराने ला
माहौल से चेंज कर दिया है। लेकिन वो देखिए ये ला जो है जहाँ पे 50 रुपये दे के आदमी छूट जाता है, अब थोड़े दिन पहले आया कि 90 डॉट एक साथ मार दिए गए हैं। महाराष्ट्र बुल्ढाणा की कौन सी जगह है, वहाँ पे 90 डॉट्स मार दिए गए हैं। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होगा, 50 रुपये में छूट जाएगा। पूना में जिस आदमी ने मारा है वो ऑलरेडी 50 रुपये में छूट गया। तो ये ला चेंज होने चाहिए। ये जो लाभ बनाया गवर्नमेंट ने, ये प्रॉपर्टी मतलब की जो डॉग्स हैं, पेट्स हैं, इनको प्रॉपर्टी और असेट की तरह गिना जाता है, इनको लिविंग में नहीं लिया जाना चाहिए। ये लॉ चेंज होना चाहिए, ये लिविंग क्रिएचर है, इनको उसकी तरह सजा मिलनी चाहिए। जैसे आदमी मर्डर करता है उसकी सजा होती है, वैसे ही जानवर का कोई मर्डर करता है वैसी सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और आज मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ, उसके बाद मेरे फारूक भाई है, बंटी साहब है, ये सब लोग तैयार हैं यहाँ बैठने, लता है, ये सब लोग 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक ये लॉ चेंज नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोगों से हर हफ्ते हम लोग यही मिलेंगे और ये मुद्दा जो है यहीं खत्म नहीं होगा, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, हर एक लेवल पे, हर एक वीक में अगले अगले लेवल पे लेके जाएंगे। और मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उनके थ्रू हमारा यही मैसेज रहेगा कि जो अगर कोई चीज़ बनाई गई है अच्छे से तो उसको मेंटेन की जाए। और बेजुबान जानवरों की जो हक है, आज इतने अच्छे से बच्चे की तरह अपन पालते हैं और फिर उनकी मौत के बाद क्या होता है किसको पता नहीं। उसके लिए जो सर ने जो कॉज किया है उसके लिए हर हफ्ते कोई ना कोई उनका एक सोल्जर रेडी रहेगा आगे फाइट कैरी करने के लिए। यही हमारी आवाज़ है, आज की आवाज़ है अजय सर के। सर थैंक यू। उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, कोई उनको मतलब कोई आश्रय नहीं है, एनिमल्स के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एनिमल्स के लिए एक्चुअली शेल्टर्स होने चाहिए। अगर हर एक सोसाइटी एक डॉग या कैट अडॉप्ट करेगा तो फिर द स्ट्रीट्स विल बी मच मोर क्लियरर, प्लस दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स हु आर अल्टीमेटली गॉड्स क्रिएशंस। एवरीबॉडी इज अब्यूजिंग देम एंड वेयर विल दे हाइड? कई सोसाइटी में घुसो तो वी हर्ड लकी केस में उसको इतना मारा इन द कैमरा दे वर सेइंग कि इतना मारो इसको कि ताकि बाकी सारे स्ट्रेस भी डर जाए। आई मीन दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। वेयर विल दे गो? दे डोंट हैव हाइड, यू नो, एनी प्लेसेस टू जस्ट take shelter in. So there should be more shelters, there should be more open places where there at least something is made, like किसी ने सिंटेक्स टैंक का बनाया हुआ है तो ऐसे कहीं उनको थोड़ा भी आसरा मिल जाए। तो फीडर्स तो काफी है ही जो खाना दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, तो ऐसी कोई जगह मिल जाए तो फिर it will be better for them. Also, what will be your demand and what law should be implicable for this? See, like Ajay also started off this protest. It's actually, the thing is ki we heard, I mean recently there was a case where 16 puppies were killed in Bengal, somewhere in Kolkata I guess. Two nursing students did it. And then they raised the fine to 6,000 was a rumor. But abhi bhi uske baad kitne sare cruelty cases hue hai. And how many times have we heard ki the fine was more than just 50 rupees? I don't think so the fine was raised, or even if it was raised, the law is not applying it. We have to start from the level where our own justice system is aware. We go to police station for cruelty cases. It is almost like our own policemen, the law enforcement is not aware of the cruelty laws. We have to explain it to them. Section 428, 429, 11A is almost like it is not there in their books. So they have to be knowledgeable enough to tackle this situation. I'm not saying all police stations are like that. There have been so many instances jahan unhone bahut tremendously support bhi kiya hai. That is because animal lovers are growing just like cruelty. There is a balance, but we need to fight stronger and we need to fight together so the laws are much better and we need to amend them so that there is, you know, no 50 rupees at least ek ghante se zyada to detain karo unko so that they are not encouraged to do it again. ये सब देख के लोग और भी courageous होते जा रहे हैं और ये गलत है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या strict action होना चाहिए जो animal cruelty करते हैं लोग? इसके लिए एक hospital और एक हर area का doctor होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अभी street पे जितने भी dog देखते हैं तो उनमें किसी में खुजली, घाव रहते हैं जिससे जर्म्स बाहर फैलते, कोई भी छूना पसंद नहीं करता और कोई कुछ भी खाने के लिए उनको डालता है। तो पहले एक डॉक्टर होना हर एरिया का जरूरी है, हॉस्पिटल होना जिससे हम उनका कोई भी बीमारी हो क्योर कर सके। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे एनिमल का भी ख्याल रखें, और जैसे हम अपने परिवार के लिए एक जगह ये करते हैं वैसे डॉग के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। बस मैं इतना। थैंक यू सो मच सर।